अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला सबको अपने जो मान में रखे, इस वबा से सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोयला कढ़ाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। चिकन है हमारी एक किलो चिकन है, ठीक है। आधा किलो टोमेटोज़ हैं, इसको मैंने पहले से काट के और ऑयल में फ्राई करके इसको मैंने पका लिया था, ठीक है। तो हमारा टाइम ज़रा कम लगेगा। दही है 4 से 5 टेबलस्पून, ठीक है। लहसुन अदरक है 2 टेबलस्पून, और कुछ हरी मिर्ची है, अदरक है, हरा धनिया है, और एक ये हमारा मसाला है जिसको हमने भून के पीसा है। इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और इसी के अंदर हमने नमक भी डाल दिया 1.5 टीस्पून। तो कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरा को हमने भून लिया था और उसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था। इसी के साथ हमने काली मिर्चें और नमक भी इसी के अंदर मिक्स कर दिया। चले आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ी सी कटी हुई अदरक, ठीक है। साथ ही हम ये अपनी चिकन भी ऐड कर देंगे। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें और अदरक और चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद बाकी के हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, साथ ही हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है पिसा हुआ, ये भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा भून लेंगे काफ़ी, मतलब 10 मिनट्स के लिए इसको हम भूनेंगे। तो इसका ऑयल ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, ये हमने रखा था 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमारा चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो। ये जो टोमेटो मैंने पहले से ऑयल के अंदर उसको पका लिया था और इसको मैश कर लिया था, इसकी वजह ये है कि बस आपका टाइम बच जाएगा। पहले से हर चीज़ प्रिपेयर करके रखें, टाइम आपका बच जाएगा। अच्छा, तेज़ आंच पे ही पकाएंगे इसको हम। अगर चिकन जल्दी गल जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, जब चिकन अलग अलग हो जाए कभी। अच्छा, ये अब हमने ना थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको टमाटर डाल के पकाया है, ठीक है। इस स्टेज पे जो है हम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने था काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें कुटी हुई, ठीक है, और साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स की हुई, और इसी के अंदर हमने नमक भी मिक्स किया हुआ, तो ये हम ऐड करेंगे। भूनते जाएंगे इसको, मिक्स करेंगे मसाले को। इसके साथ जो है, फिर अभी हम इसी के साथ जो है, ये हमारे पास दही था 4 से 5 टेबलस्पून, ये भी हम ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह फेंट के डालिएगा, इसको भूनेंगे। अच्छा,
के इसको बस अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि जब तक चिकन गल जाए, और ढक देंगे इसको, दम पे रखेंगे। चिकन गलने तक अब हम इसको पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे हम। ठीक है, अब इसको हम ढक रहे हैं। अच्छा, ये हमने रख दिया था ना 15-20 मिनट के लिए, इसको चिकन को गलने तक हमने इसको पकाया। देखें इसकी ऐसी शक्ल आ गई, जैसे कि कोयला कढ़ाई इसका नाम है, तो इसके साथ मैंने ये कोयला यहाँ पे रख दिया है चूल्हे पे दूसरा। ठीक है, इसको हम दम देंगे कोयले का, लेकिन अभी इसमें दो तीन चीज़ें और जाएंगी वो मैं आपको बता दूँ। लेमन जूस, एक लेमन का हम इसमें जूस डालेंगे। लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये साबुत हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ी देर के लिए हम बस 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रखेंगे, फिर हम इसको उस पर कोयले का स्मोक देंगे 5 मिनट। अच्छा, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने कोयला एक तरफ रख दिया था जलाने के लिए। अब ये हमारे पास एक ब्रेड स्लाइस है, ब्रेड का आखिर का जो हिस्सा होता है वो पतला सा होता है, वो कोई खाता नहीं है उसको, तो वो मैंने ले लिया है। ठीक है, ये हमारा कोयला जो है वो हो गया है, दहक गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल ना हम ऑयल डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये पूरा इसका स्मोक इसके अंदर पूरा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ की खुशबू आ जाएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे। हो गया, कोयले का स्मोक भी आ गया इसके अंदर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको हम निकाल लेंगे। ब्रेड स्लाइस भी, ठीक है, हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा रेडी हो गया है चिकन कोयला कढ़ाई। अच्छी लगे रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।